अभी आपको पता होगा कि क्लैश स्क्वाड का नया रैंक सीजन आया है एंड ये कल ही आया है, तो बहुत सारे बंदे लग गए होंगे भाई पुश करने के लिए अपना रैंक। एंड यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे दिक्कत भी आ रहा होगा, लाइक स्ट्रीक नहीं बन रहा होगा या फिर जो है आपका स्ट्रीक टूट टूट जा रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100% वर्किंग ट्रिक टू गेट 999+ स्टार। जी हाँ गाइस, आप लोग अपने स्ट्रीक को 999 तक कर सकते हो। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे 5 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप इन्हें यूज करते हो देन आप जो है CS रैंक का हर एक मैच को जीत सकते हो। नंबर 5 पे आता है, अभी के टाइम पे जैसे आप रैंक पुश कर रहे हो तो लाखों और लोग भी रैंक पुश कर रहे होंगे एंड जिसमें से कोई लोग हैकर होंगे, कोई लोग ज्यादा प्रो खेलते होंगे। एंड अगर आप किसी टीममेट से हार जाते हो जो कि प्रो टीममेट हो सामने वाला बंदा एंड या फिर सामने वाले बंदे के टीममेट में से कोई हैकर हो, तो आप लोगों को नेक्स्ट मैच जो है वापस से एकदम स्टार्ट नहीं करना है, मतलब तुरंत ही स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग तुरंत स्टार्ट करोगे तो हो सकता है फिर से सेम बंदे ही ओपोनेंट में आ जाए जो कि सामने वाले टीम में हो सकता है, या तो फिर हैकर हो या फिर वो ज्यादा प्रो खेलते हो आप लोगों के टीममेट से। एंड आप लोग उसी टीममेट से बार बार हार के जो है आपका रैंक माइनस होगा एंड आपका स्ट्रीक भी नहीं बनेगा, इसीलिए 5-10 मिनट रुक के जो है स्टार्ट करना ताकि आपका गेम जो है अलग टीममेट के साथ लगे। नंबर 4 पे आता है पेट स्किल, अभी के टाइम पे इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही कैरेक्टर स्किल। जैसे कि अगर आप ड्रेकी यूज कर रहे हो तो मैप पे जहां पर एनिमी मेडिकेट मार रहा है वहां पर आपको मार्क दिख जाएगा, प्लस अगर एक उल्फ वाला पेट है जो हेल्प करता है कि अगर हमारा टीममेट डाउन हो जाता है तो हमें 15 HP मिलेगा एंड अगर वो फुल है तो EP मिलेगा। एंड उसी तरीके से बिस्टन जो है यहाँ पे ग्रेनेडिंग के लिए यूज होता है, उसी तरीके से बाकी पेट भी आप देख सकते हो जो कि अलग अलग स्किल्स है उनमें जिसको अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। एंड अगर इनशॉर्ट बताऊं तो ये पेट स्किल को भी सोच समझ के लेना चाहिए एंड हर एक टीममेट के पास सेम पेट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पेट स्किल आपके टीममेट के पास होगा तो वो आपको हेल्प कर पाएगा एंड आप जो है उसे हेल्प कर पाओगे, तो इस तरीके से मेंटेन करके चलोगे देन भाई मतलब काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। एंड पेट स्किल की बात हो गया तो अभी बात कर लेते हैं नंबर 3 पे कैरेक्टर स्किल का। अभी आपको पता होगा कैरेक्टर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गेम में है वो कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्किल्स बताता हूं जो आपको मदद करेगा, जैसे कि होमर हो गया जो एनिमी पे जाके उनका मूवमेंट स्लो कर देगा एंड इसी तरीके से A1-24 जो एनिमी के स्किल को बंद कर देगा एंड उसी तरीके से राफेल हो गया जो साइलेंसर के लिए यूज किया जाता है, उसी तरीके से जो है यहाँ पे एल्वारो हो गया। एल्वारो यहाँ पे जो है अभी के टाइम पे बहुत पावरफुल कैरेक्टर बना दिया है क्योंकि एक ग्रेनेड मारोगे भाई वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी टीममेट का मदद करता है भाई ऐसे कैरेक्टर्स, हर एक बंदे के पास अलग अलग कैरेक्टर्स होना चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर स्किल लेके खेलना चाहिए जिससे जो है यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेशन बन के चले एंड भाई आप जो है यहाँ पे CS रैंक के हर एक मैच को जीत पाओ एंड डिफरेंट डिफरेंट बंदा जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर पाए। नंबर 2 पे आता है, आपके टीममेट में एक PC प्लेयर होना ही चाहिए। देखो PC प्लेयर को खिलाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका मैच मेकिंग जो है यहाँ पे होता रहा है एंड वो रुके ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा फोन में जो है ज्यादातर आप हाई रैंक पहुंच जाते हो देन आपको जो है ज्यादा मैचेस नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे PC प्लेयर को एक अगर आप मतलब लेके जाओगे एंड वो ग्रुप बनाकर स्टार्ट करेगा देन चांसेस ज्यादा होता है कि भाई मतलब यहाँ पे जो है स्टार्ट हो ही जाए मैच, ठीक है। एंड हो सकता है सामने वाले बंदे जो है कभी कभार लोअर लेवल के भी आते हैं, तो यस भाई एक PC प्लेयर को तो लेके खिलाना ही चाहिए क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, खासकर जब 3 मोबाइल प्लेयर हो एंड एक PC प्लेयर हो तो ज्यादातर बेटर हो जाता है मतलब सिचुएशन। आपको पता होगा PC प्लेयर थोड़ा बेटर खेल लेते हैं मोबाइल प्लेयर से। एंड नंबर 1 पे आता है, आप लोगों को जो यहाँ पे iOS प्लेयर को लेके खेलना चाहिए। अभी देखो मैंने PC प्लेयर का बात कर लिया, एक जो है यहाँ पे iOS प्लेयर मतलब जो प्लेयर आईफोन यूज करते हैं तो उनको भी जो है एक बंदा आपके टीममेट में होना चाहिए, एक iOS प्लेयर जो आपके साथ खेले। बिकॉज देखो iOS में क्या होता है, नेक्स्ट्रा मैप को आप डिलीट कर सकते हो, आपको पता होगा नेक्स्ट्रा मैप जो कि आप एंड्रॉइड में डिलीट नहीं कर सकते ना ही आप PC में डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये iOS में डिलीट किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसे जगह है जो कि नेक्स्ट्रा मैप में जहां पे हम खेल नहीं सकते, जैसे कि नॉन ग्रेविटी एरिया हो गया, टेलीपोर्टेशन हो गया एंड बहुत सारे ग्लिचेस भी होते रहते हैं नेक्स्ट्रा मैप में एंड वो मैप जो है काफी लोगों को पसंद भी नहीं है एंड एंड्रॉइड में आप डिलीट भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए भाई एक iOS प्लेयर को लेके खेलना चाहिए, आपका भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो यस गाइस, यही था 5 ऐसे ट्रिक जो कि आपको मदद करेगा CS रैंक के हर एक मैच को जीतने के लिए एंड आपका स्ट्रीक को बने रखने के लिए, मतलब आप स्ट्रीक को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये सारे जो है जो चीज पॉइंट बताए मैंने ये सब अगर आप ढंग से यूज करते हो तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है आपका जो है यहाँ पे स्ट्रीक 999+ जाने का। एंड गाइस अभी आपको पता होगा फ्री फायर में जो है एल्वारो रिजिनेशन नाम का इवेंट चल रहा है जिसमें जो है बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस है, मतलब डेली लॉगिन करने पर आपको मिलेगा, CS रैंक खेलने पर मिलेगा, ठीक है, मिशन कंप्लीट करने पर बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिल रहे हैं फ्री में। तो ये सारे बंडल्स जो है आप भी क्लेम कर सकते हो मिशन कंप्लीट करके। बस ये लड़की का बंडल देख सकते हो काफी ज्यादा मस्त है एंड उसके बाद ये जो है भाई सरबोर्ड भी देख सकते हो, ये भी अच्छा है, ठीक है। एंड उसके साथ आपको जो है यहाँ पे लूट बॉक्स भी मिल रहा है एंड उसके साथ ही यहाँ पे एक और आपको ग्रेनेड का स्किन भी मिल रहा है। तो यस गाइस, ये सारे इवेंट को आप लोग जरूर से कंप्लीट करना जिससे आपको भी एक्साइटिंग प्राइजेस मिले। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं फिर नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड
लव यू ऑल। एंड इसमें मैं आपको ऐसा ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसमें आप नेक्स्ट टाइम मैप को सीएस रैंक से डिलीट कर सकते हो। देखो अगर आप ट्राई करोगे देन ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन एक ट्रिक की मदद से आप डिलीट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम मैप को। वो क्या है वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा।